सुरेश आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक काफी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास ये नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एक्चुअली आप लोग काफी बड़ी एक प्रॉब्लम में फंस सकते हो। एंड इतने टाइम से जो आपने टाइम देके इतने मंथ से अपने आईडी को इतना अच्छा किया, उसमें काफी चीजें इकट्ठी की, उसको कॉन्करर एस पहुंचाया है, वो सब चीजें आप लोग जस्ट एक सेकंड में खो सकते हो। क्योंकि ये गलती करते समय शायद आप लोगों को ये चीज पता भी नहीं लगेगी आप लोग कोई चीज गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखो सो दैट आप लोग समझ पाओ। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगती है 10,000 लाइक का एम कर देना। एंड मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे देखते रहने के लिए। नेक्स्ट पेज है तो गाइस इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे 2 सितंबर को पबजी वाइल्ड को ऑफिशियल इंडिया के अंदर बैन कर दिया, जो कि काफी बोल्ड डिसीजन था गवर्नमेंट का चाइना के अगेंस्ट। बट वो काफी ज्यादा गेमर्स हमारे जैसे आपके जैसे गेमर्स के लिए शॉकिंग डिसीजन था, जिसने काफी ज्यादा गेमर्स को शॉक कर दिया। एंड उसी टाइम से मतलब 2 सितंबर से अभी तक हम लोग की स्पेकुलेशन आ रही है वहां से कि यहाँ पे पबजी वाइल्ड का एक इंडियन वर्जन आ सकता है या फिर उसकी जियो के साथ कोलैबोरेशन हो सकती है। जियो के साथ कोलैबोरेशन को साइड पर रखो, इंडियन वर्जन के ऊपर आओ। एंड बेसिकली ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ जिससे आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाओ कि क्या चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखो एक इस टाइप का एडवर्टीजमेंट काफी ज्यादा आजकल आ रहा है। अगर आप लोगों ने कभी भी अपने किसी भी वीडियो को खोलोगे पबजी से रिलेटेड या गेमिंग रिलेटेड कोई भी वीडियो आप लोग खोलते हो तो आपको एक इस टाइप का मैसेज आपको पॉपअप होता हुआ दिखेगा। बेसिकली एक मैसेज नहीं है, ये गूगल नेटवर्क के थ्रू किया गया एड है जो कि एडवर्टीजमेंट हो रही है, जो कि एक्चुअल में आप लोग अगर देखो तो आपको ये चीज देखने में ऐसी लगेगी कि यहाँ पे पबजी मोबाइल ने ऑफिशियली कोई एड लिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग इसके लोगों को देखोगे तो बेसिकली लोगो बिल्कुल ऐसा लग रहा है पबजी मोबाइल का। आप लोग ऊपर की तरफ देखो तो पबजी मोबाइल की फोटो लगी हुई है वगैरह वगैरह। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है बेसिकली इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो चीज मैं पढ़ चुका हूँ, आप लोग भी पढ़ लो, मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे लिखा क्या है कि आप लोग को जो अपने अकाउंट है उसको इंडियन वर्जन के साथ लिंक कर लो एंड उसके बाद आप लोग को अलग अलग टाइप के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अभी कुछ भी हो सकता है, गन स्किन वगैरह वगैरह, शायद आप लोग खुश हो रहे हो चीज सोच के कि वाओ यार अलग से रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। बट एक्चुअली ये चीज स्कैम है सीरियसली, बिकॉज अभी तक इंडिया का मतलब ये तो आप छोड़ोगे इंडियन वर्जन आने वाला है वो तो बहुत ही दूर की बात होगी। अभी तक पबजी वाले कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ही नहीं दिया कि उनकी जियो से कोलैबोरेशन होगी या वो इंडियन वर्जन लेके आने वाले हैं। ठीक है, उनकी जस्ट एक ही आई थी कि वो लोग अपनी जो उनकी मेबी कुछ अभी 2-3 हफ्ते पहले एक आई थी स्टेटमेंट जब भी टेंशन की साथ उनकी कोलैबोरेशन टूटने वाली है, वो लोग अपने ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट से। जो भी मैं लोगों ने वीडियो से मैं बनाया था याद नहीं मुझे अच्छे तरीके से। तो बेसिकली सिर्फ एक ही मतलब उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, गवर्नमेंट की तरफ से भी एक ही आई है जो कि उन्होंने डाउनलोड कर लो। तो यार ये चीज मतलब
कि आई एम पूरा एंड आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, तो बेसिकली मुझे बताना जरूरी लगा एंड आई होप कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल वीडियो होगी एंड काफी ज्यादा लोग जो इन पे मतलब ऐप देखने के बाद मतलब करने वाले थे क्लिक या फिर वो गलती करने वाले थे, आई होप अब वो चीज नहीं होगी एंड अगर आपको ये हेल्पफुल लगी 10,000 लाइक का एम है, मेक श्योर कम्प्लीट कराओ एंड मेक श्योर करो कि अपने ये फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो डैट उनको भी पता लग पाए कि भाई ये सीरियसली चीज गलत क्या रही है एंड आप लोग किस तरीके से बच सकते हो एंड जस्ट आपने बचने के लिए एक चीज करनी है कि किसी भी ऐसे लिंक के ऊपर क्लिक ना करो एंड क्लिक हो भी जाए ना तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपने लिंक नहीं करना मतलब एक्सेस नहीं देना वहां पे लॉग इन नहीं करना अपने पबजी वाले के अकाउंट को एंड उसके बाद सब कुछ सही है एंड जब तक आप लोग की आईडी सही है जब तक आप लोग ऐसी कोई चीज नहीं करते हो एंड गाइस अगर आप लोग